का मूलांक 9 है और आप जानना चाहते हैं कि आपका भाग्योदय कब होगा, कैरियर में सक्सेस कब मिलेगी, जॉब कब मिलेगा, फाइनेंस कैसा रहेगा, लव लाइफ मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ये सवाल आपके मन में जरूर आते होंगे और आप जानना भी चाहते हैं कि आखिर आपके भाग्य में क्या लिखा है, कब सक्सेस मिलेगी। मेहनत तो दिन रात कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, तो आखिर क्या है आपके भाग्य में। मूलांक 9 वाले जातक, जिन लोगों का मूलांक 9 होता है, ऐसे व्यक्ति का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को होता है और मूलांक 9 को रूल करने वाला जो प्लैनेट है वह होता है मंगल ग्रह, अर्थात ग्रहों के सेनापति। तो जो मूलांक 9 वाले व्यक्ति हैं, इनके अंदर क्रोध की थोड़ी सी ज्यादा प्रवृत्ति होती है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी मरने पर उतारू हो जाते हैं, सहन शक्ति इनके अंदर नहीं होती है। लेकिन एक गुण है, बले रुष्टा बले तुष्टा, रुष्टा रुष्टा छणे छणे, अर्थात गुस्सा तो बहुत जल्दी आ जाता है लेकिन उतने ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और अगर गलत तरीके से ये किसी पर गुस्सा कर दे या लड़ाई झगड़ा कर ले तो इन्हें बहुत पश्चाताप होता है, अपनी गलती के लिए ये झुक भी जाते हैं क्योंकि सेनापति है, क्रोध आ जाता है। लेकिन जब लगता है इन्हें कि गलती इनकी ही है तो अपनी गलती को स्वीकार भी कर लेते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। अगर इनका कहीं झगड़ा हो जाए तो मारने में, लड़ाई करने में, झगड़ा करने में देर नहीं करते हैं। कुछ लोग बात करते हैं लड़ाई झगड़े में लेकिन ये सीधा मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं, तो ऐसा इनका स्वभाव होता है। लेकिन हार मानने वाले नहीं होते हैं जीवन में कभी भी। इनके लिए कहा जाता है कि पत्थर फोड़कर भी ये पानी निकाल लेते हैं, अर्थात बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। इनके जीवन में इन्हें हमेशा उन्हीं कामों में लगाया जाता है जो काम दूसरे लोग नहीं कर सकते, जहां रिस्क होता है, जो काम कोई दूसरा नहीं कर सकता वो ये से बहुत आसानी से कर लेते हैं। इन्हें जीवन में रिस्क लेना बहुत पसंद है, हमेशा रिस्की काम करते हैं, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो या लाइफ का रिस्क हो, रिस्क लेने से नहीं चूकते हैं। साथ ही साथ दृढ़ शक्ति और इच्छा शक्ति के बहुत ज्यादा मजबूत माने जाते हैं, एक बार कह दिया सो कह दिया, फिर बात से पलटने का कोई मकाम नहीं है। इच्छा शक्ति, अगर किसी चीज को करने का ठान लिया तो फिर जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक रुकेंगे नहीं, तो ये इनके अंदर योग्यता होती है। साथ ही साथ ये कटु सत्य बोलने के लिए जाने जाते हैं, एकदम कड़वा सच, अगर कोई व्यक्ति इन्हें बुरा लगता है तो उसके मुंह पर बोल देते हैं, पर पीठ पीछे बुराई करने का स्वभाव नहीं है, सत्य बोलते हैं और सत्य सुनना ही पसंद करते हैं। अगर कोई इनके सामने इनकी चापलूसी करता है या इनके सामने इनके लिए मीठी बातें बोलता है ना, तो ये कहते हैं कि भाई रहने ही दो, जरूरत नहीं है तुम्हारी बड़ाई की, या तुम मेरी तारीफ के पुल बांधो, ये मुझे पसंद नहीं है, ऐसा भी इनका स्वभाव होता है। सत्य कहना, सत्य सुनना, ये इनका स्वभाव है। किसी भी काम में बहुत उत्तेजित होते हैं, जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं, बहुत जल्दी, तो कई बार इसमें विफलता भी इनके हाथ लगती है, सफलता नहीं मिल पाती है क्योंकि धैर्य इनके अंदर नहीं होता है, धीरज नहीं रख सकते हैं। खाना भी खाएंगे ना तो गर्म ही गर्म चाहिए क्योंकि इन्हें गर्म भोजन बहुत प्रिय होता है, ठंडा होने के बाद ये इनके स्वाद को खराब कर देता है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है इन्हें। तीखा खाना खाने वाले रहेंगे और तीखा ही बोलने वाले रहेंगे, ये इनका स्वभाव होता है। लेकिन भाग्योदय कब होगा मूलांक 9 वालों, ये तो जानना ही है आपको। ग्रहों के साथ कब आपको भाग्य का साथ मिलेगा आपके जीवन में, बहुत मेहनत कर ली, बहुत हार्ड वर्क कर लिया लेकिन सक्सेस कब मिलेगी भाई। तो जो मूलांक 9 वाले व्यक्ति हैं, इनका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को होता है
और इनको रूल करता है मंगल ग्रह। और इनके भाग्योदय का सबसे अच्छा समय होता है 18 वर्ष, क्योंकि आर्मी में बूढ़े लोगों को नहीं लिया जाता है, युवा चाहिए, इसीलिए इनका भाग्योदय भी युवावस्था में ही हो जाता है 18 वर्ष की आयु में। लेकिन 18 वर्ष की आयु में ना हो तो 27 वर्ष की उम्र में आपका भाग्योदय होना तय है। आपका 27 वर्ष की उम्र में भाग्य का साथ मिलेगा, कैरियर, जॉब, बिजनेस, लव लाइफ सब में आपको सक्सेस मिल जाएगी। अगर इस समय भी ना हो तो फिर 36 वर्ष में आपका भाग्योदय हो ही जाता है, फिर इसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये मूलांक 9 वालों के लिए भाग्य से सपोर्ट मिलने का एक अच्छा समय, जब आपकी मेहनत और भाग्य का साथ आपको सक्सेसफुल बना देगा। तो आशा करता हूं मूलांक 9 वालों, आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि आपका लक कब आपका साथ देगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय महाकाल, हर हर महादेव।